नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बाइनिंग में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी सभी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस में बताए गए उपाय से भी आप लोगों को लाभ पहुँच रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते रहें। आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा आपकी पूरी होती रहे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही खास है, और इसलिए खास है क्योंकि ये अलग टॉपिक है जो बहुत लोग आपको शायद नहीं बताएंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। ये टॉपिक वो है कि आपको क्या क्या गिफ्ट्स, देखिए बर्थडे पे या एनिवर्सरीज पे या वैसे ही अपने नए घर पे कहीं भी आपको अगर गिफ्ट्स मिलते हैं तो कई ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो अगर आप अपने घर पे रख लेते हैं तो आपके जीवन में, ना कि सिर्फ आप, क्योंकि आपके घर पे रखा होता है वो, अगर आपके यूज़ में है तो आपके जीवन में वो बैड लक लेकर आएगा। अगर आप घर पे रख रहे हैं तो घर पे वो नेगेटिविटी, बैड लक, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा अगर आप वो गिफ्ट किसी से भी लेते हैं। और अगर वो गिफ्ट किसी को भी देते हैं तो भी वो उसके लिए भी बैड लक लेकर आएगा और आपके लिए भी बैड लक लेकर आएगा अगर ये गिफ्ट आप किसी को देते हैं। ये जो गिफ्ट है सिर्फ आपको दे दिए, इससे आपका बैड लक नहीं होगा। अगर आप भी ये गिफ्ट किसी को देते हैं तो आपका बैड लक साथ में ही शुरू हो जाएगा। तो जो गिफ्ट्स की मैं बात कर रही हूँ वो ना आपने लेने हैं किसी से, ना ही आपने किसी को देने हैं। और एक तरफ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से गिफ्ट्स हैं जो आपके लिए लेना और आपके लिए देना किसी को एक गुड लक माना जाएगा। अगर आपको वो गिफ्ट देता है आपको या आपके घर पे रखने के लिए, तो वो आपके लिए एक गुड लक लेकर आएगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और इसके साथ एक गुड लक आएगा आपके घर पे भी, आपके जीवन में भी, और मनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी। ये जो गिफ्ट्स हैं, जो उपहार दिए जाते हैं उसका भी देखिए बहुत महत्व होता है। किसी ने अगर आपको कोई उपहार दिया है उसकी वजह से भी कई बार आपके घर में नेगेटिविटी आती है और कई बार आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि कई गिफ्ट्स ऐसे होते हैं जो उपहार में किसी से लेना और देना को अशुभ माना जाता है। वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ, शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो पहले मैं लिस्ट बताऊंगी आपको कि जो मतलब अशुभ चीज़ें हैं जो किसी को गिफ्ट देनी नहीं चाहिए और किसी से गिफ्ट लेनी नहीं चाहिए। अगर आपको वो चीज़ चाहिए अपने लिए तो आप पर्सनली जाके वो चीज़ खुद के लिए खरीद लें, लेकिन किसी को ना गिफ्ट लें ना किसी को गिफ्ट दें। तो पहली चीज़ है जो है रुमाल। रुमाल आपने कभी भी किसी को गिफ्ट ना देना है, चाहे लेडीज़ हो, बच्चा हो, जेंट्स हो, ना किसी को रुमाल गिफ्ट देना है, ना किसी से भी रुमाल गिफ्ट लेना है। रुमाल आपके जीवन में एक बैड लक लेकर आएगा। रुमाल एक ऐसी मतलब चीज़ है जो आपकी पर्सनल हाइजीन है, जो आप खुद लें। आपने रुमाल लेना है, टॉवल लेना है, तो ये चीज़ें जो होती हैं या अंडरगारमेंट्स होते हैं ये किसी से गिफ्ट नहीं लेते हैं ना देते हैं। ये आपकी पर्सनल हाइजीन की चीज़ है, ये आपने खुद लेनी है, खुद से लेनी है। तो ये चीज़ें ना आपने गिफ्ट से गिफ्ट देनी है ना लेनी है, इससे आपका बैड लक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें खुद के पैसों से खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज़, भगवान की मूर्ति ना आपने किसी को गिफ्ट देनी है ना किसी से गिफ्ट लेनी है। फोटो फ्रेम भी आपने ना किसी को गिफ्ट देनी है भगवान की, ना किसी से लेनी है। अगर आप ये चीज़ भी करते हैं तो आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। भगवान की मूर्ति भी अगर आपने अपने लिए, घर के लिए लेनी है तो खुद के पैसों से खरीदनी है, क्योंकि देखिए ये भगवान की मूर्ति है, आप अपने पैसों से खरीदिए, किसी और के पैसे मत लगाइए, ना अपने पैसे लगाकर किसी और को दीजिए। जिसको ज़रूरत है भगवान की मूर्ति लेने की वो अपने पैसों से खुद लेगा। तो आपने ना किसी को लेनी है ना किसी को देनी है, तो इससे भी आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी कि जो अगर आपको ये चीज़ें मिल जाएँ, बाई चांस आपको कोई गिफ्ट कर ही दे, आपको नहीं पता पैकिंग पेपर में गिफ्ट आते हैं, तो आपने उसका करना क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तीसरी चीज़, कोई भी नुकीली चीज़ आपने ना किसी को देनी है ना किसी को लेनी है, इससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी को भी कोई नुकीली सी चीज़ देते हैं, या कांच की भी चीज़ आपने किसी को नहीं देनी। अगर आप कांच की भी चीज़ किसी को देते हैं तो आप क्या जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज़ है काले कपड़े।
काले कपड़े भूल कर भी आपने ना किसी को गिफ्ट करने हैं ना किसी से लेने हैं, आपने लेने हैं तो अपने पैसे खर्च करके लीजिए, लेकिन ना आपने पैसे खर्च करके किसी और को देने हैं ना किसी से लेने हैं। इससे आपका शनि और राहु दुष्प्रभाव आपको दे सकते हैं। आपने काले कपड़े ना देने हैं ना लेने हैं। पांचवी चीज है कि आपने पानी से बनी हुई शोपीस ना किसी को देनी है ना किसी को लेनी है। आपको कोई शोपीस पसंद है पानी से बनी हुई, अपने पैसे खर्च करके लीजिए, ना आपने देनी है ना लेनी है। पानी की शोपीस देने से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन प्रॉब्लम भी इससे बढ़ जाता है। तो आपने पानी से बनी हुई चीज़ें ना किसी को देनी है ना किसी को लेनी है, और इन सभी चीज़ों से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी घर पर आपके मन में और मनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मैं बता रही हूँ कि अगर बाय चांस आपको ये गिफ्ट मिल जाता है, कई बार पैकिंग पेपर में होता है, मैं अंदर नहीं पता लगता, हम बाद में खोल कर देखते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ मिल गई है तो आपने अपने घर पर नहीं देनी, किसी को गिफ्ट कर दें, या भगवान की मूर्ति है तो आप मतलब मंदिर रखाएं, कोई कांच की चीज़ है तो किसी दुकान जो कांच का काम करता हो उसको दे आए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपको मिलती है जो कहीं दे सकते हैं वो दें, या किसी और को दे दें, अपने घर पर नहीं रखनी है आपने, ये याद रखना है आपने। अब दूसरी चीज़, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं आप किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकते, मैंने पहले ही कहा है कि आपने किसी को गिफ्ट नहीं करनी, तो आपने गिफ्ट के तौर पर नहीं देनी है ये चीज़ें। या तो आप मंदिर पे रख कर आ सकते हैं, या तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को, देखिए अगर काला कपड़ा है वो किसी आप ज़रूरतमंद को दे शनिवार के दिन तो आपका वो लगेगा, रुमाल किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि आप वो गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं उनकी यूज़ के लिए, उनकी मदद कर रहे हैं, तो मदद के लिए ये आप दे सकते हैं, लेकिन एज अ गिफ्ट आपने नहीं देनी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब दूसरी चीज़ है कि कौन सी गिफ्ट को देना और गिफ्ट को लेना बहुत अच्छा है, ये मैं बताती हूँ। चांदी की वस्तुओं को लेना और देना बहुत अच्छा है, ये लक्ष्मी को लेकर आता है। लक्ष्मी माता रानी का एक सिक्का मिलता है, वो लेना और देना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लाफिंग बुद्धा लेना और देना बहुत बढ़िया माना जाता है। फूल का गुलदस्ता, फूल के गुलदस्ते की पेंटिंग, हार श्रृंगार, कपड़े रंग बिरंगे, काले रंग को छोड़ के कोई भी कपड़ा दे सकते हैं, ले सकते हैं, मिट्टी से बनी वस्तुएं, ये जो सारी लिस्ट हैं ये आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं किसी को, तो ये आपके लिए बहुत शुभ मानी जाएगी। ये चीज़ें आपके घर में आपकी लक्ष्मी को लेकर आएंगी। लाफिंग बुद्धा लक्ष्मी को घर पे लेकर आता है, चांदी की वस्तुएं लक्ष्मी को घर लेकर आती हैं, हार श्रृंगार की चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, फूल का गुलदस्ता आपके घर की रौनक को बनाए रखेगा, पॉजिटिविटी को बनाए रखेगा। इसके साथ साथ लक्ष्मी का जो सिक्का है लेना या देना बहुत शुभ माना जाता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद आपसे पूछ भी लेते हैं कि आपने क्या गिफ्ट चाहिए, तो आप खुद भी बेझिझक होकर आप ये बता दें कि मुझे इन चीज़ों में से कि ये चीज़ आपको गिफ्ट चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गिफ्ट में मिलना बहुत शुभ माना जाता है, चाहे आप बोल कर भी किसी से ये गिफ्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने नहीं लेनी और ये चीज़ें हैं जो आपने लेनी है, ये आपकी लाइफ में देखिए बहुत मैटर करती हैं। तो अपने आराम से सोच विचार कर कर ही किसी से गिफ्ट दीजिए और लीजिए, ये आपकी गुड लक को और बैड लक को प्रभावित करेगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें। शुक्रिया।